दो चीजें बहुत अहम होती हैं, तीन चीजें खर्च करने में। एक तो ये इसका अपना लुकमा हलाल कितना है, उसमें हलाल कितना है, दूसरा इखलास कितना है, और तीसरी चीज मसरफ कितना बढ़िया है। इन तीनों चीजों को रियायत रखने से फिर एक रुपया नहीं रहता, एक लाख एक लाख नहीं रहता, फिर आदमी उसको सोच नहीं सकता कि अल्लाह उसका अजर और सवाब कितना बढ़ा दे। इखलास कितना बढ़िया है, लुकमा हलाल कितना, इसलिए कि हराम माल इसके खर्च करने का सवाब कोई नहीं। वबाल का तो डर है, वबाल हो जाएगा, कि हराम को खर्च करके सवाब की उम्मीद रख रहा है, वबाल का डर है। लेकिन हलाल हराम खर्च करेगा, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दे, खैरात कर रहा है, सदके कर रहा है, अस्पताल बना रहा है, मस्जिदें बना रहा है, करोड़ों खर्च कर, हराम कर रहा है, गुनाह का खतरा है। हलाल, हलाल की कीमत है। देखो बीज मरियल हो ना, मरी कितनी जमीन जरखेज हो, मरियल बीज उससे कुछ नहीं उगता, और चाहे वो बोरियों के बोरियां जमीन पे डाल दे, उसे तो कीड़ा लगा हुआ है, उस बीज में तो कीड़ा लगा हुआ है, उसने क्या फल देना है। बीज ठीक हो, बीज ठीक हो, इखलास हो, इखलास हो, अल्लाह को राजी करने का जज्बा हो, अल्लाह हमारा राजी हो जाए, उसकी रजा मकसूद है इस फरीजे की अदायगी में। मसरफ बढ़िया हो तो इसकी बरकत से मैं अर्ज कर रहा हूं, फिर अल्लाह कितना देता है तो अल्लाह का कहा सच्चा है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, इतना देता है कि बस जितना वो चाहे। और भाई बादशाहों का बादशाह अपने अंदाज से चाहता है, हाँ इसने दिया है, किसने दिया है, फना आदमी ने, इसने दिया है, किसने दिया है, वजीर ने, ये किसने दिया है, ये बादशाह ने दिया, ये किसने दिया है, सुभान अल्लाह, ये बादशाहों के बादशाह ने दिया, तो वो अपने अंदाज से देता है। तो सदका ज़कात हो या सदका हो, इसमें माल का हलाल होना जरूरी है, खुलूस होना जरूरी है, बढ़िया मसरफ का होना जरूरी है।